दर्शन नगर अस्पताल में सरकारी पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल, जैसे संविदा पर नौकरी करने वाले हैं परेशान। प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या दर्शन नगर मंडली अस्पताल ओपीडी में संविदा पर काम करने वाले लोगों को सैलरी समय पर नहीं मिलती है। संविदा पर काम करने वाले लोग जब शिकायत करने की बात करते हैं तो मंडल अस्पताल के अधीक्षक जेल भेजने की धमकी देते हैं। इसी दौरान ओपीडी में 5 साल से काम कर रहे अजय कुमार मिश्रा निवासी कुमारगंज को 5 साल में 4 महीने की सैलरी मिली है, जिससे अस्पताल में होने वाली असुविधा से वे परेशान है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों से पता चला है कि अस्पताल में सरकार जो पैसा देती है उसे अस्पताल की सुविधाओं के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अस्पताल में अधीक्षक की लापरवाही से कुछ जगहों पर पानी भर जाता है और अस्पताल के शौचालय में पानी बहता रहता है और वहाँ की दीवारें टूट रही हैं लेकिन मरम्मत नहीं हो रही है। शिकायत करने पर कर्मचारियों को जेल और नौकरी की धमकी देते हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि अस्पताल की जांच और कार्रवाई की जाए। आप कुछ चेक कर सकते हो, शौचालय चेक कर।